स्पीड देखिए पानी का स्पीड कितना स्पीड से उतर रहा है। ऊपर दिखाऊंगा तो ऊपर से ही स्पीड से आ रहा है। डस्टबिन आगे देखिए, आगे डस्टबिन, ये घर के बाहर है, कोई ऑफिस या दुकान नहीं है। इधर देखिए ये डस्टबिन, चारों तरफ आपको डस्टबिन मिल जाएगा। जो काम लोग शहर में नहीं करता वो गांव का आदमी बढ़िया से कर रहा है। ये जंगल में रुक गया हूँ एक बार के लिए, और जंगल में देखिए बोर्ड क्या लगा हुआ, हाथी का बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हाथी का आने का जाने का रास्ता है। जा रहा हूँ चांडू भी, जो कि लेक के लिए फेमस है, और गुवाहाटी से लगभग 64 से 70 किलोमीटर के आसपास होगा। काफी बढ़िया जगह है, सफर में बने रहिए, बहुत सारा जानकारी मिलेगा। मिर्जा पहुंचने से पहले देखिए क्या भयंकर एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, भयंकर। हम लोग अभी मिर्जा के भीतर पहुंच गए, और बोर्ड आपको दिखाई दे रहा चांदू भी का, 31 किलोमीटर यहाँ से। मिर्जा जब आएंगे तो वहां से एक लेफ्ट साइड एक रास्ता गया, वही रास्ता चांदू के लिए चला गया। गांव का रास्ता है देखिए, शहर और गांव का अंतर ही खत्म कर दिया, ऐसा रास्ता बना दिया। गांव का रास्ता कहीं भी ऊबर खबर नहीं, जब से गुवाहाटी से आया हूँ मतलब ऐसा ही रास्ता मिला है, जबरदस्त रास्ता है। बाइक चला के मजा आ रहा है, कहीं भी टूटा फूटा रास्ता नहीं मिला, पूरा रास्ता ऐसा। अभी हूँ बगान बाजार में, बगान बाजार इसलिए बोला जाता है इस जगह को क्योंकि देखिए इस तरफ पूरा चाय का बगान, इस तरफ भी चाय का बगान, और रास्ते के उस तरफ भी पूरा चाय का बगान, दोनों तरफ चाय का बगान ही है, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। अभी थोड़ा थोड़ा धूप भी निकलने लगा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है, लेकिन जगह इतना सुंदर है क्या बोलूँ। और इधर चाय बगान में थोड़ा देर हम लोग रुके थे चाय वगैरह पीने के बाद, इधर से निकले हैं, इधर से और अप्रॉक्स 15 किलोमीटर और चांडू भी है। तो चलिए बने रहिए रास्ते में, और भी कुछ अगर मिलता है तो आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है का बगान है। देखिए कितना मस्त है, कितना सुंदर लग रहा है चाय का बगान, हम लोग जो चाय पीते हैं उसी का बगान है। स्टार्ट करने वाला था लेकिन रह नहीं पाया, इधर आने के बाद बोला एक बार बगान में उतर जाता हूँ। और ये पीछे पूरा ही है चाय पत्ती का। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं चाय पत्ती कहीं से जाता है तो वो असम ही है, असम का चाय पत्ती काफ़ी फेमस है, बहुत फेमस, सबसे ज़्यादा चाय पत्ती इंडिया में असम से ही जाता है, उसके बाद बंगाल का नंबर आता है दूसरा। अब इधर से निकलते हैं, धूप भी काफ़ी आ गया। चलिए हम लोग बगान बाजार को छोड़ के आगे निकल चुके हैं, और ये फॉरेस्ट का एरिया है, दोनों तरफ जंगल है, कितना सुंदर लगता है देखिए, बीच में रास्ता बनाया हुआ है, बीच में रास्ता, दोनों तरफ जंगल, मज़ा आ रहा है जाने में। और थोड़ा धूप था लेकिन ये जंगल के भीतर घुसने के बाद धूप भी खत्म हो गया, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली, तो इधर गर्मी का, गर्म लगने का कोई ज़्यादा सवाल नहीं होता। ये जंगल में रुक गया हूँ एक बार के लिए, और जंगल में देखिए बोर्ड क्या लगा हुआ, हाथी का बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हाथी का आने का जाने का रास्ता है, तो हाथी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। खैर जा रहे रास्ते में, अगर कहीं हाथी वाती दिखाई देता है तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। पहुँच गया हूँ चांदू बिलिक, बाइक को पार्क करके अभी पैदल चल रहा हूँ। इधर में बोट है, बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। इधर जितना भी बोट लगा हुआ इसमें हम लोग अभी बोटिंग करेंगे, मतलब बोट से एक बार उस तरफ से फिर वापस इस तरफ आ जाएंगे। बोट में बैठता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। बोट में बैठ गया हूँ, और बोट में बैठने के बाद बोटिंग कर रहा हूँ। ये एक जापी पहन लिया हूँ, जापी पहन दिया यहाँ पे, और कितना सुंदर लग रहा है देखिए, मज़ा आ गया इधर आके, मस्त लगेगा, मस्त जगह है देखिए, झील है झील, और इधर से बोटिंग करने के लिए आते हैं, दूर तक देखिए आपको झील ही दिखाई देगा, मस्त लगेगा आने के बाद, बहुत बढ़िया जगह। खड़ा हो गया बोट के ऊपर, खड़ा हो गया, और खड़ा होकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो भैया जो बोट चला रहे हैं 12 साल से बोटिंग इधर कर रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, बोट को गिरने नहीं देते हैं, एकदम बचा लेते हैं। और इस तरफ एक गाँव है, गाँव भी अगर होता तो गाँव भी जाके दिखाता हूँ। हम लोग उस तरफ से आए हैं, उधर से इधर आके झील की इस तरफ, बोट को छोड़ दिया हूँ, बोट अपने जगह जा रहा है अभी, और हमें बोट इस तरफ छोड़ दिया। इधर गांव है, रिजॉर्ट है, तो इधर का थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद फिर हम लोग जब आएंगे तो इधर फिर वापस बोट आ जाएगा हम लोग को लेने के लिए, और अगर नहीं आया तो पूरा रात इधर ही रहना पड़ेगा भाई। वाले को काफ़ी रिक्वेस्ट किया हूँ कि आ जाना भाई, अगर नहीं आया तो पूरा रात इधर ही जंगल में काटना पड़ेगा, और उधर में बोट दिखाया था आप लोगों को, हाथी का आने का जाने का जगह ही बचेगा नहीं हम लोग। फिर जगह काफ़ी सुंदर है, मस्त जगह, इधर आने के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर, लेकिन
जंगल है था चारों तरफ, तो थोड़ा जानवर का थोड़ा डर लगा रहता है। इधर का बोर्ड दिखा रहा हूँ, बोर्ड में क्या लिखा हुआ देखिए, से नो टू प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का कहानी इधर नहीं है, जबड़ा का कहानी इधर नहीं है। गाँव ही घूम रहा हूँ, काफ़ी सुंदर गाँव है और ये गाँव के भीतर एक रिसोर्ट भी है। अगर गाँव आते हैं तो इधर में एक रिसोर्ट है जिधर आप बैठ के अच्छा खाना खा सकेंगे। चांदूबी लेक व्यू होम स्टे, ये हो गया रिसोर्ट आपका। इधर अगर आते हैं तो फिर खाना इधर खा पाएंगे, ये गांव में है। जब आप झील के इस तरफ आएंगे तो रिसोर्ट आपको मिल जाएगा। बाकी इधर में आप पिकनिक नहीं मना सकते, इधर में कोई आके अपने साथ खाना नहीं ला सकता, मतलब कचरा करने के लिए नहीं दिया ये जगह को। खाना खाना है तो उसके अलग से बना हुआ है, आप साथ में कुछ ला नहीं सकते, पूरा गाँव है। एक झूला है, काफ़ी सुंदर झूला है, बैठता हूँ और थोड़ा बचपन का यादें थोड़ा ताज़ा कर लेता हूँ। जाता हूँ बैठता हूँ उसमें। अरे ये तो पकड़ में नहीं आ रहा यार। गिरेगा तो नहीं ना? झूला टूट ना जाए खाली। झूला ना टूट जाए। मस्त लग रहा है, लेकिन झूला कहाँ जा रहा हमको पता नहीं। झूलने में मस्त लग रहा है, तार का बनाया भाई। ये सब चीज आपको सिटी में नहीं मिलेगा, ये सब चीज के लिए गांव आना पड़ेगा, जंगल आना पड़ेगा। जंगल में झूला और झूलते रहिए आराम से। ये खुद ही झूला रहा है, हम झूल नहीं रहे, तो खुद ही जाना जाना है झूले को, वो खुद अपने हिसाब से चल रहा है। चलिए चलते हूँ, अगर आप लोग आते हैं तो झूले में जरूर बैठेंगे, बहुत अच्छा झूला है। बोट वाले जगह पे आ गया हूँ और इधर फिर खड़ा होकर आवाज़ देना पड़ेगा, आवाज़ तो जाएगा नहीं, इशारा देना पड़ेगा कि भाई आ जाओ, हम लोग आ गए हैं, हम लोग को ले लो, नहीं तो पूरा रात इधर ही रहना पड़ेगा। जाता हूँ उधर से इशारा देता हूँ और आता है तो फिर बोट पर बैठ के करता हूँ वीडियो। आधा घंटा हो गया और अभी तक आए नहीं लेने के लिए, वो इतना दूर है कि आवाज़ भी इधर से नहीं जाएगा वहाँ तक, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। अभी फंसा हुआ हूँ इधर, पता नहीं कब आएगा वो, आने के बाद ही हम लोग निकल पाएगा यहाँ से, और अगर नहीं आया तो पूरा रात इधर गुजारना पड़ेगा। एक बोट दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर है, आवाज़ नहीं पहुँचेगा वहाँ तक। इशारा दिया हूँ, पता नहीं आता है कि नहीं इधर, अगर आएगा तो इसमें बैठ के उस तरफ चला जाऊँगा, काफ़ी दूर है। एक बार आवाज़ भी लगाता हूँ उन लोगों को, देखता हूँ। चलिए, बहुत देर वेट करने के बाद एक नाव एक बोट हमें लेने के लिए आ गया, और इस बोट में हम लोग चढ़ के फिर वापस अपने जगह पे चला जाते हैं। वो देखिए दिखाई देगा आप लोगों को बोट। चलिए बोट पे बैठता हूँ, पहले डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, बस उधर रुक जाएगा बोट। चांदूबी लेक का दिखा दिया, बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, लेकिन उस तरफ जाने के बाद काफ़ी देर वेट करना पड़ा। उसके बाद वो बोट आया, बोट फिर वापस हम लोग को अपना जगह पे लेके आया। इधर में और एक है वाटरफॉल बोल के, चांदूबी वाटरफॉल, तो उधर चलते हैं, जाके देखते हैं कैसा है जगह, क्या है। चलिए बने रही, हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ जो अच्छा लगेगा आप लोग को देख के, हर घर के बाहर में एक डस्टबिन ज़रूर मिल जाएगा। ये गाँव है हाँ, और गाँव में हर घर के गेट के बाहर एक डस्टबिन मिलेगा जिसमें लिखा है यूज़ मी, मतलब रास्ता पे आपको सामान मत फेंकिए, डस्टबिन बनाया हुआ डस्टबिन में फेंकिए। शहर में भी नहीं होता ये सब, शहर में भी नहीं होता। और ये गांव में देखिए कितना सुंदर, वो उस घर के बाहर भी, हम पीछे से ही देखते आ रहा है, हर घर के बाहर एक डस्टबिन लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ यूज़ मी, रास्ता को कचरा मत करिए, डस्टबिन में डालिए। दिखा रहा आपको अभी हर घर के बाहर, देखिए ये देखिए इधर डस्टबिन, आगे देखिए आगे डस्टबिन, ये घर के बाहर है, कोई ऑफिस या दुकान नहीं है। इधर देखिए ये डस्टबिन, चारों तरफ आपको डस्टबिन मिल जाएगा। जो काम लोग शहर में नहीं करता वो गांव का आदमी बढ़िया से कर रहा है। रास्ता तो इधर का देखिए, देखिए कितना सुंदर है, कितना मेंटेन किया हुआ, बगल में एक डस्टबिन लगा दिया जरूर, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ आने के बाद, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सुंदर जगह भी, काफ़ी सुंदर है हर जगह में डस्टबिन का बोर्ड, घर के बाहर डस्टबिन। इससे पहले भी जो मैं वीडियो बनाया था गाँव का, खैर उस गांव को तो बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत अवार्ड मिला हुआ है गांव को सफाई के मामले में। और ये यहाँ जो आया हूँ इधर भी वैसा ही है, काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर।
एक तो जंगल है लेकिन उसके बाद भी इतना मेंटेन करके रखा है जबरदस्त। बनाना का बगान देखिए, बनाना केला का बगान है, ये जबरदस्त लग रहा है। व्यू देखिए एक बार, कितना सुंदर व्यू आएगा, मजा आ जाएगा। पहुंच गया हूँ वाटरफॉल के पास, जो जिस वाटरफॉल का नाम ले रहा था मैं, वो बगल में आपको वाटरफॉल आवाज सुनाई दे रहा होगा। वाटरफॉल के पास पहुंच गया, बीच में जंगल में ऐसा हुआ कि मतलब बाइक के आगे से सांप गुजर रहा था और इतना जोर से ब्रेक मारना पड़ा कि बच गया, या तो बाइक बचाता या तो सांप को बचाता। सांप भी बच गया, मैं भी बच गया। सामने वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी स्पीड में पानी आ रहा है, बहुत स्पीड में, और आवाज़ तो यहाँ तक सुनाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए जगह पे पहुँचता फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। वाटरफॉल के लिए बोल रहा था, यही वाटरफॉल, पानी का स्पीड देखिए कितना स्पीड में पानी आ रहा है, नीचे भयंकर स्पीड है, और पानी सफा भी बहुत है, काफ़ी सफा पानी है। मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मैं कपड़ा नहीं लाया हूँ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा है बोल के, मैं तो लेक में आया था, लेकिन उसके बगल में ये सुंदर जगह, मैं खाली बाहर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है, क्या है क्या नहीं। फॉल के एकदम सामने पहुँच गया हूँ, इधर आने के बाद तो हवा भी लग रहा है, अच्छा हवा लग रहा है, साइड में धूप है लेकिन इधर काफ़ी हवा है। पानी देखिए कितना वाइट पानी है, कितना सुंदर पानी निकल रहा है, नहा के तो मज़ा आया है। स्पीड देखिए पानी का, स्पीड कितना स्पीड से उतर रहा है, ऊपर दिखाऊंगा तो ऊपर से ही स्पीड से आ रहा है, और पानी कितना वाइट है, पूरा प्योर वाइट, पूरा ऊपर से पानी आ रहा है। चारों तरफ एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखने में काफ़ी अच्छा, और आदमी लोग देखिए कहाँ कहाँ जाके नहा रहा है, कहाँ कहाँ जाके नहा रहा है। मिस्टेक हो गया, हम कपड़ा नहीं लाया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, अगर कपड़ा लाता एक्स्ट्रा तो यहाँ ज़रूर आके एक बार नहा लेता, मज़ा आ जाता। देख लिया वाटरफॉल और आप लोगों को भी दिखा दिया, लेक भी देख लिया, लेक भी काफ़ी सुंदर है, वाटरफॉल भी काफ़ी सुंदर है। अगर आप गुवाहाटी से आते हैं तो 65 से 70 किलोमीटर के आसपास ये लेक पड़ जाएगा, और वाटरफॉल भी समथिंग इतना ही पड़ेगा। जगह काफ़ी सुंदर है, लेक में जाने के लिए एंट्री फीस 20 रुपया लिया था एक जन का, और ये वाटरफॉल में आने के लिए 10 रुपया एक जन का। और यहाँ सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा, जो हर घर के बाहर में डस्टबिन वाला चीज़ लगा के रखा हुआ वो बेस्ट है, मतलब कचरा बाहर नहीं करना है। मैं पूरा रास्ता देखते यही आया हूँ कि एक डस्टबिन लगा के रखा हुआ जिसमें कचरा फेंकना, मतलब बाहर में नहीं फेंकना है, वो इस टाइप का कचरा है, आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का कचरा है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, इस टाइप का कचरा काफ़ी सुंदर है। थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि वो लेक में झील के उस तरफ जाने के बाद बोट काफ़ी देर तक नहीं आया, लेकिन फिर आधा एक घंटे के बाद आवाज़ लगाने के बाद या देखा हम लोग वहाँ पे खड़ा है तो फिर आके हम लोग को लेके आया। काफ़ी सुंदर जगह वो भी है, काफ़ी सुंदर जगह ये भी है, दोनों ही सुंदर है। 1.5 घंटा लग जाएगा गुवाहाटी से आने में, और अगर आपको टाइम बिताना है तो इधर आके आप टाइम बिता सकते हैं, बहुत अच्छा जगह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब सब करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।